होलिका दहन प्रदोष काल पूर्णमासी तिथि पर किया जाता है। इस दिन को छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन 17 मार्च 2022 को किया जाने वाला है, पर क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन किया क्यों जाता है? तो चलिए आज आपको बताते हैं। होलिका दहन की कथा ये है कि एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लिया था, और वो वरदान ये था कि दुनिया का कोई भी जीव जंतु, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके, ना ही वह रात में मरे, ना ही वह दिन में मरे, ना ही पृथ्वी पर, ना ही आकाश में, ना ही घर में, ना ही घर के बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा था, और वो चाहता था कि विष्णु भगवान की तरह उसकी भी पूजा की जाए। और वहीं अपने पिता के आदेश को ना मानते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया, और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे, और भगवान विष्णु की प्रहलाद पर असीम कृपा थी। पर अपने पुत्र को भगवान विष्णु की पूजा करते देख हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आ गया, और उसने प्रहलाद को कई सारी सजाएं भी दी, पर प्रहलाद पर उन सजाओं का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने ही पुत्र प्रहलाद के खिलाफ एक योजना बनाई, जहां होलिका ने कहा कि वो प्रहलाद को लेकर एक चिता पर बैठ जाएगी, और क्योंकि होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था कि जब वो उसे ओढ़ लेती थी तो वो नहीं जल सकती थी, तो वो प्रहलाद को लेकर एक दिन बैठ गई चिता पर वो कपड़ा ओढ़कर। पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, पर होलिका उसी आग में जल गई। और तब से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पे मनाया जाता है। क्या आप इस कथा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।